हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, विदाउट पॉट के भी आप प्लांट्स लगा सकते हो। तो यहाँ मैंने पुराना जो मिट्टी का घड़ा है वो लिया है और उसको मैंने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और अब हम पेचकस से सबसे पहले इसमें होल बनाएंगे। तो आप जब भी मिट्टी के बर्तन में होल बनाएं तो उसको 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दें, तो काफ़ी जल्दी इसमें होल बनकर तैयार हो जाता है। और पेचकस को हमें लगातार गोल गोल ही इसके ऊपर घुमाना है। आप चीनी मिट्टी के बर्तन में भी इस तरह से होल बना सकते हो। तो यहाँ मैं इसको लगातार गोल गोल पेचकस को घुमा रही हूँ इसके ऊपर, और ये लगातार गोल गोल घुमाते हुए इसमें काफ़ी इजीली हमारा होल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पेचकस बिल्कुल ड्रिल का ही काम कर रहा है। ये हमारा होल बन गया है। अब इसके बाद हम इसे ऊपर से काट लेंगे। तो जैसे इस घड़ी को मैंने काट रखा है वैसे उसको काट के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पेंसिल से इस पे निशान बना लेना है, जिससे जहां से हमें काटना है उस जगह पे आप पेंसिल से इस पे निशान बना लें। तो पेंसिल से मैंने इस पे निशान बना दिया है। और उसके बाद हमारे किचन में काफ़ी सारे चाकू बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, वो चाकू हमें यहाँ लेना है और जहां से निशान बनाया उस निशान के ऊपर हमें चाकू को चलाना है। तो घड़े को हमने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, तो काफ़ी इजीली कट जाएगा। चाकू को हमें निशान के ऊपर ही चलाना है। तो लगातार चाकू को चलाते हुए मैंने पूरी घड़ी पे निशान बना लिया है और कुछ हिस्सा इसका कट भी चुका है। तो जहां से हमें काटना उस हिस्से पे हमें चाकू को लगातार चलाते रहना है, और लगातार चलाते हुए हम इसको काट के इससे अलग कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ही इसमें बचा है और ये मैंने इसको काट लिया है चाकू से काफ़ी इजीली। बस थोड़ा सा हिस्सा इसका बचा है, तो ये कट के और ये अलग हो गया। तो जो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है वो इसका स्टैंड बन जाएगा। होल हमने इसमें पहले से बना ही लिया है, और अब आप चाहें तो इसमें कलर पेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे जो घड़े थे पुराने उनको काट लिया है, और अब इसमें मैं कलर कर रही हूँ। तो कलर भी काफ़ी सस्ता है, 10 रुपये का जो टाइलों वाला कलर है वो मैं ले आई थी, और जितना मैंने कलर लिया है उतनी ही मैं इसमें सीमेंट मिला रही हूँ। तो इससे आप गमले वगैरह भी कलर कर सकते हो। कलर करने से एक तो हमारा जो ये प्लांटर बहुत मजबूत हो जाता है और ये अच्छा भी लगता है दिखने में, और आप चाहे तो वैसे भी मैं प्लांट्स लगा सकते हो। अब पानी मैंने कलर के अंदर मिला दिया है और दोनों को अच्छे से ब्रश से मिला दिया है, और मैं इन पे कलर कर दूंगी। तो आप चाहें जैसे अपने मनपसंद के कलर में वो कलर कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्लांटर हमारे लगते हैं, तो बिल्कुल सस्ते में या बिल्कुल 0 बजट में ही आप मान लो प्लांटर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से कलर कर दिया है, और कलर करने के बाद बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। इसके बाद मैंने इस प्लांटर को भी कलर कर रही, तो स्टैंड को भी मैंने कलर कर दिया उसके को। होल हमने इसमें बना ही लिया, सभी जितने भी मैंने मटके काटे ऊपर से उनमें सब में मैंने होल बना दिया है, और कलर के बाद काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। और छोटा वाला जो मैंने काटा उसको गोल्डन कलर में मैंने इसको कलर किया है, तो बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्लांटर आप घर में एकदम पुराने मटकों से तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मैंने कर लिए हैं, इनको अच्छे से कलर करके धूप भी मैंने इनको लगा दिया, यानी सूख गए हैं अच्छे से। अभी हम प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो पहले मैंने मटके से प्लांटर बनाया था उसमें ऑफिस टाइम प्लांट मैंने लगा रखा है, आप देख रहे हो कितने अच्छे से इसमें फूल भी खिले हुए। तो काफ़ी अच्छे से हमारे प्लांट्स इनमें लग जाते हैं। सब्जियों वाले भी आप लगा सकते हो, और आप इनको काटना ना चाहें तो डायरेक्ट भी इनमें प्लांट्स लगा सकते हो। इस वाले में मैंने मनी प्लांट कटिंग से लगाई है, और रैनी लीली होती है वो लगा दी, तो काफ़ी ईजिली इसमें ग्रो हो जाती है। प्लांट भी बहुत सस्ते वाले प्लांट है, बहुत महंगे हमने यहाँ नहीं लिए हैं। तो काफ़ी सारे प्लांटर यहाँ तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप घर में काफ़ी सारे प्लांट एकदम फ्री में तैयार कर सकते हो, इनमें अपने मनपसंद के प्लांट लगा सकते हो। तो ये काफ़ी सारे प्लांट मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं, और प्लांटर तो फ्री के हो ही गए हैं। तो प्लांट भी मैंने कटिंग वाले ही इनमें लगाए हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह ऐसे सस्ते वाले जो प्लांट हैं वो इनमें लगा दिए हैं। और आप चाहते हैं मैं सब्जियाँ भी लगा सकती हूँ, सब्जियाँ इनमें बहुत अच्छी से लगती हैं। तो यहाँ अधिकतर जो प्लांटर है मेरे एकदम फ्री के ही तैयार किए हुए हैं, घर में बनाए हुए हैं, और ये देख लो कितने अच्छे ये लग रहे हैं। तो इस तरह से आप घर में प्लांटर तैयार कर सकते हो। घर में काफ़ी सारे सामान निकलते हैं, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह निकलते हैं, तेल के पीपे निकलते हैं,
उनसे भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर आप घर में बना सकते हो। इस तरह से आप प्लांट्स लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।